हेलो दोस्तों, तो आप सबको बता दूं कि आज मैं बात करने वाला हूं अनकैप्ड इंडियन क्रिकेटर हार्दिक देसाई के बारे में, क्योंकि हार्दिक देसाई जिस तरह का देहरादून ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दिए हैं उसके वजह से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। और ये बहुत ही जल्द इंडियन टीम में हो सकते हैं और आईपीएल तो ये निश्चित ही खेल जाएंगे इस बार के। तो गाइज़, आपको बता दूं कि हार्दिक देसाई का पूरा नाम हार्दिक मनीष भाई देसाई है और इसका जन्म गुजरात के सौराष्ट्र के भावनगर में 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। यह अभी मात्र 24 साल का, यानी कि काफ़ी यंग क्रिकेटर है। और इसका जो बैटिंग स्टाइल है वो राइट हैंडेड बल्लेबाज है और विकेट कीपर बैट्समैन है, जो कि टीम इंडिया को विकेट कीपर बल्लेबाज क्या ही तलाश है। गाइज, आपको साथ में यह भी बता दूं कि अभी तक ये किस किस टीम के लिए खेले, तो ये इंडिया अंडर 19 खेल चुके हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया खेल चुके हैं, सौराष्ट्र के लिए भी खेले और सौराष्ट्र अंडर 16 के लिए भी खेले हैं और वेस्ट जोन के लिए अभी खेले हैं देहरादून ट्रॉफी में, और सौराष्ट्र अंडर 19 भी खेल चुके हैं। गैस, तो आप बात करते हैं इसका देहरादून ट्रॉफी में किस तरह का प्रदर्शन रहा अभी प्रेजेंट में ही। तो इन्होंने 5 मैच के 5 इनिंग में 301 रन बनाए, जो कि काफ़ी अच्छा रन है, और स्ट्राइक रेट लगभग 89 का। तो 50 ओवर की गेम में अगर आपका 89 का स्ट्राइक रेट हो तो बहुत अच्छे बल्लेबाज आप माने जा सकते हैं। गैस, साथ में यह भी बता दूं कि यह इसका हाईएस्ट स्कोर जो कि 92 रनों का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, और बैटिंग एवरेज जो कि 60 के बैटिंग एवरेज से रन बनाया, तो काफ़ी अच्छा एवरेज भी है बैटिंग। और इसी दौरान 450 जड़े हैं और 1 भी शतक नहीं जड़े, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज ये निश्चित ही आईपीएल में खेलते हुए देखे जा सकते हैं, और इंडिया ए के लिए तो ये निश्चित ही खेल जाएंगे। गाइज, आपको क्या लगता है? अगर आपको कुछ और भी लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।